कुछ बच्चे अगर जाना चाहते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई जज, अगर कुछ बच्चे बच गए, अगर रोहित मुल्ला जैसा नहीं मारे गए, पायल तंडवी जैसा नहीं मारे गए, फातिमा शेख जैसा नहीं मारे गए, बच गए, तो वहां भी आप प्रोफेसर नहीं बनाए जाएंगे। जो अंबानी अडानी जैसे लोगों का, कॉरपोरेट का, माफियाओं का, आरएसएस भाजपा का जो कब्जा हो रहा है, तमाम संसाधनों पर जो कब्जा हो रहा है, उस कब्जे के खिलाफ झारखंड में जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई के सबसे अग्रिम पात में अरवैया होगा, लॉर्ड झंडे के सिपाही होंगे। से युवाओं के हिरावल साथी बिरसा मुंडा और इस तिलका मांझी की माटी पर सिद्धू कान्हों, सिद्धो कान्हों, चांद भैरव और फूलो झानो के इस धरती पर आप सबका होल जोहार इंकलाबी लाल साहब। साथियों, सम्मेलन हम ऐसे वक्त पे यहां कर रहे हैं जिस वक्त पे, जिस दौर में आजादी के 75 सालों में जो हमने अपने मेहनत से, खून पसीनों से, संघर्ष से, कुर्बानियों से कई पीढ़ियों के लड़ाई से जो हमने हासिल किया, और आजादी आंदोलन के गर्व से भी जो हमें हासिल हुआ, आजादी, संविधान, लोकतंत्र, पढ़ने लिखने के अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों, राष्ट्रीय संपदाओं के साथ जो हमने मेहनत करके जो चीजें खड़ी की, जो संस्थान खड़े हुए, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, देश के कल कारखाने, खान खदान को जो हमने खोजा, तलाशा, जो हमने निर्माण किया, जो हमने बनाया, वो सब कुछ आज खतरे में है, उसे बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। पचहत्तर सालों में आजादी के और झारखंड बने हुए 22 साल हो रहा है। आज झारखंड पर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं यहां नौजवानों के रोजगार की हालत। अभी दिसंबर में ही एक रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताता है कि अगर देश में 7.84% बेरोजगारी दर है तो झारखंड में 17.3% बेरोजगारी दर है। यानी देश में बेरोजगारी के मामले में झारखंड का स्थान तीसरा है। यहां पे जो सरकारी पद है 3,45,721, अभी विधानसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उनका ये रिपोर्ट है। यहां के रोजगार कार्यालयों में 6,45,844 नौजवानों ने अपना पंजीकरण कराया है।
जून 2021 तक, उनमें से ना ही ये सरकार किसी को रोजगार दी और न ही किसी को बेरोजगारी भत्ता दी। बड़े पैमाने पे रोजी रोटी की तलाश में यहां के नौजवान और यहां के श्रमिक पलायन करते हैं। पूरे देश में, बिहार में भी हमारे यहां जो ईंट भट्ठों पे महिलाएं काम करती है, कम उम्र की जो बच्चियां काम करती है, हमारे जिले में भी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी, तो झारखंड की होती है। देश में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई, बिहार के बाद सबसे ज्यादा गरीब राज्य झारखंड है। 46% से ज्यादा यहां की आबादी गरीबी में गुजारा कर रही है। अगर ग्रामीण झारखंड की बात करेंगे तो 50% से ज्यादा यहां पर गरीबी है। अगर हम चतरा जिला की बात करेंगे, अगर हम पाकुड़ जिला की बात करेंगे, अगर पश्चिमी सिंहभूम जिला की हम बात करेंगे तो 60% से ज्यादा गरीबी है इन जिलों में। देश में जो खनिजों की जरूरत है, देश के कुल जो खनिजों की जरूरत है उसका 60% झारखंड की धरती मुहैया कराती है। और वो राज्य भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण के भयानक चपेट में है। मैं देख रहा था कुपोषण के मामले में यहां के बच्चे 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चे वजन में कम है, नाटेपन के शिकार हैं 47% बच्चे, 65% बच्चों के शरीर में खून के कमी की रोग से, एनेमिया से पीड़ित हैं। हिंदू उच्च जातियों के तुलना में कम वजन के दलितों के 53% और आदिवासियों के 68% बच्चे अधिक कम वजन के हैं। अभी वह हालत है जिस समय सिमडेगा जिला के कारीमाटी गांव के कोयली देवी की बेटी माई भात दे भात भात कहते 11 साल की संतोषी कुमारी की अपनी मां की गोद में दम तोड़ दी थी। इसी धनबाद के झरिया में बैद्यनाथ रविदास रिक्शा चालक थे, राशन के अभाव में दम तोड़ दिए। झारखंड के गरीबी, झारखंड के बेरोजगारी, झारखंड के भूखमरी और कुपोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो 7 साल से मोदी की हुकूमत है, ये जो 22 साल में जिन लोगों ने यहां राज किया, तमाम लोगों ने वादा किया यहां के लोग पलायन नहीं करेंगे, यहां के खनिज संपदाओं, कोयले की खानों के लूट पर रोक लगेगी, गरीबी से मुकाबला किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा वरना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और आज झारखंड की क्या हालत है? ये हमारी सरकार, हम लोग आए थे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, यहां पे पार्टी की प्रचार करने के लिए हम लोग उस समय इनके वादे सुन रहे थे। और इसलिए आरवाईए की जिम्मेदारी है नौजवानों को रोजगार के सपना खत्म करने वाली, झारखंडी युवाओं के जवानी कुचलने वाली, जवानी खाने वाली मोदी सरकार पर एक चोट तो दूसरा चोट हेमंत सरकार पर देना होगा।
और रोजगार की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, कपड़ा मिल यहां से विदेशों में आयात होते थे। ओरिएंट क्राफ्ट जो रांची जिला में कपड़ा मिल है बंद होने लगे, 5,000 से ज्यादा कपड़ा मिल के मजदूरों को छांट दिया गया। ये क्या हालत है? किन सपनों से, किन बलिदानों से बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये सोच करके कि हां झारखंड के जो सपने थे मूल विद्रोह के नायकों का, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन हुल विद्रोह के नायकों की लड़ाई को कोई आगे बढ़ाते हुए शहादत दिया तो मेरे के महेंद्र सिंह ने शहादत दिया। और तमाम साथियों, अभी भी लड़ाई जारी है। पारा शिक्षक मुनेश्वर सिंह, रविदास जी, ये तमाम उस समय से लेकर के आज तक आजादी के लिए गरीबों के, आदिवासियों के, यहां के माटी के लाल के लिए बेहतर जिंदगी, उनकी जिंदगी के खूबसूरती के लिए आज लाल झंडा के सिपाही भगत सिंह और अंबेडकर के विचारधारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए आज समानता की क्या हालत है। ये कोविड के दौर में, लॉकडाउन के दौर में, एक तरफ हुक्मरानों की लाठियां थी तो दूसरी तरफ रोजी रोजगार छीनी जा रही थी, भूख से मौतें हो रही थी। लेकिन उसी दौर में हमारे देश में भारत और चीन के बाद हमारा देश दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या वाला देश में शुमार हो जाता है। 102 से 145 अरबपति बढ़ जाते हैं। शीर्ष जो 10% लोग हैं देश के संपत्ति का 65% पर कब्जा कर लेते हैं, और नीचे के 50% लोग की आमदनी मात्र महीने में 4,500 रुपये है। घट गई आमदनी 84% लोगों की। चला गया दिसंबर में 95 लाख वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गई, कारोबार खत्म हो गए लाखों लाख। विश्व में अब यहां जो झारखंड की सरकार बजट पेश कर रही थी उसके पहले रांची में एक गोष्ठी थी, यहां के जाने माने वो गरीबों के अर्थशास्त्री कहे जाते हैं जयाधीरेश साहब ने झारखंडी सरकार को मेल किया, हेमंत सरकार को। विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया झारखंड, किस मामले में? 2 सालों तक यहां स्कूल नहीं खुले, कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। 95% झारखंड के बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल कितना है? 93.5% बच्चों के पास अपना मोबाइल ही नहीं है। साधारण वाक्य पढ़ना, जोड़ घटाओ, ये सब कुछ भूल गए, नहीं आ रहा है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां सदियों से चला आ रहा है कुपोषण,
और पूरी पीढ़ी कमजोर शरीर और दिमाग लेकर के ये भविष्य के नागरिक बच्चे, ये जो इनका स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत है, ये मुल्क के भविष्य, ये प्रदेश के भविष्य बच्चे, ये नरसंहार है। कुपोषण के चपेट में, अशिक्षा के चपेट में, और ऊपर से नई शिक्षा नीति की मार। यहां के विश्वविद्यालय में 13 वर्ष हो गए, एक भी प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई। 40 से 50% विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदिवासियों के 90% बच्चों के जो रिजर्व सीट है खाली रह जा रहा है झारखंड में। अभी आपने देखा लैटरल एंट्री, ये लैटरल एंट्री क्या है भाई? हमने जब देखा तो मैं शुरू में तो समझ नहीं पाया। तो लैटरल एंट्री ये सिविल सर्विस में लागू कर दिए हैं। अब डीएम बनने के लिए, केंद्र सरकार के विभागों के संस्थानों के सेक्रेटरी बनने के लिए किसी कंपटीशन और कोई डिग्री पास होना लेना जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको डीएम बना देगी, सेक्रेटरी बना देगी, और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए नेट क्वालिफाइड, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड और पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं है। इंजीनियरिंग में, पॉलिसी में, संचार में सरकार जिसको चाहेगी प्रोफेसर बना लेगी। उच्चतर शिक्षा में ये गरीबों के, मजदूर किसानों के, ये खान खदानों में जो काम करने वाले, और ना जाने इतनी पीढ़ी बीत गई कितने लोग उनके खानों में दब के मर गए होंगे। उच्चतर शिक्षा में जाते कहां हैं? यहां तो 36% बच्चे 10वीं के पहले पढ़ाई छोड़ देते। दलित आदिवासियों के 50% से ज्यादा बच्चे मैट्रिक में ही पढ़ाई छोड़ देते, उनकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो पाती गरीबी के वजह से, आर्थिक परिस्थितियों के वजह से। और कुछ बच्चे अगर जाना चाहते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई जज, अगर कुछ बच्चे बच गए, अगर रोहित मुल्ला जैसा नहीं मारे गए, पायल तंडवी जैसा नहीं मारे गए, फातिमा शेख जैसा नहीं मारे गए, बच गए, तो वहां भी आप प्रोफेसर नहीं बनाए जाएंगे। मैं अभी दिल्ली गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के विद्यार्थियों से बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि जो 100 नंबर का लेक्चरर बनने के लिए परीक्षा होती है, 70 नंबर रिटेन और 30 नंबर वाइवा, तो जो दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, वो रिटेन में जनरल बच्चों से ज्यादा ला रहे हैं, 100 में 60-65 ला रहे हैं, फिर भी इंटरव्यू में उनको 30 में मात्र 5-8 नंबर दे करके और छांटा जा रहा है, फेल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड होता है उस बोर्ड में आरएसएस, भाजपा, मनुवादी विचारधारा के प्रोफेसर हैं, इस वर्ग समाज के प्रोफेसर ही नहीं है। और ऊपर से शिक्षा नीति, ऑनलाइन एजुकेशन, अरे शरीर में खून नहीं,
रोटी के लाले पड़े हैं, भूखमरी के चपेट में महंगाई की मार है। ये गरीबों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कहां से ले पाएंगे? आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, शिक्षा को बाजार के हवाले, कॉरपोरेट के हवाले, अभिजात वर्ग के लिए शिक्षा को आरक्षित कर दिया जाएगा। यह है नई शिक्षा नीति। और इसलिए मित्रों, ये जो लड़ाई है, ये खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई, झारखंड में खाली पड़े पदों पर बहाली, झारखंड के खनिज संपदा का सरकारीकरण हो, दोहन पे लूट पे रोक लगे, यहां के नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले, ये जो लड़ाई है, मैं समझता हूं कि इसी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए यह आरवाईए का चौथा राज्य सम्मेलन इस पर बात विचार करेगा, बहस मुबाहिसा होगी और आने वाले दिन में झारखंड के खान खदाने, खान खदानों का जो लूट है, उस लूट के खिलाफ, उस मोर्चे पर, उस लूट के संघर्ष के मोर्चे पर आरवाईए का लाल झंडा खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से उस लूट पर रोक लगेगा और झारखंड को बचाया जा सकेगा। और निश्चित तौर से यह अधिकार जताने के लिए कि झारखंड में जो अंबानी अडानी जैसे लोगों का, कॉरपोरेट का, माफियाओं का, आरएसएस भाजपा का जो कब्जा हो रहा है, तमाम संसाधनों पर जो कब्जा हो रहा है, उस कब्जे के खिलाफ झारखंड में जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई के सबसे अग्रिम पात में आरवाईए होगा, लाल झंडे के सिपाही होंगे और निश्चित तौर से यह हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।